और इस वक्त एक बड़ी जानकारी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती हुई रुझानों में नजर आ रही है, लेकिन नालागढ़ को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं। 8 प्रत्याशी हैं जिसमें बीजेपी के बागी केवल ठाकुर और कांग्रेस से हरदीप सिंह बावा और बीजेपी से लखविंदर सिंह राणा, आम आदमी पार्टी से धर्मपाल चौहान, कुल मिलाकर 8 प्रत्याशियों में देखते हैं कि कौन सा प्रत्याशी अपनी विजय प्राप्त करता है। क्योंकि फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही हैं उसमें कांग्रेस के तमाम कैंडिडेट चुनावी मैदान में फतेह होते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से अनवर हुसैन ने दी जानकारी। आप देख रहे हैं JBT लाइव TV और मैं हूं आपके साथ अनवर हुसैन। इस वक्त हम नालागढ़ के डिग्री कॉलेज में हैं, जहां पे काउंटी का तीसरा राउंड तकरीबन खत्म हो चुका है। यहां से टोटल 8 प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से बीजेपी के बागी KR ठाकुर जो आज़ाद लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के हैं हरदीप सिंह बावा, और बीजेपी के हैं लखविंदर सिंह राणा के जो पहले कांग्रेस के विधायक रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के यहाँ से हैं धर्मपाल चौहान। इस वक्त जो नालागढ़ का रुझान आ रहा है, यहाँ से आज़ाद प्रत्याशी KR ठाकुर आगे जा रहे हैं और दून से राम कुमार चौधरी आगे जा रहे हैं। देखते हैं इनमें से कौन अपनी किस्मत आजमाता है। देखते रहिए JBT लाइव TV।